नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं आनन फानन में अब सीएम को बड़ा आदेश जारी करना पड़ा है। आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने इन्हें घेरने का जो काम किया है, जिस प्रकार से भाजपा का बड़ा बयान आया है कि 13 दिसंबर तक अगर विज्ञापन शिक्षक अभ्यर्थियों का जारी नहीं हुआ तो वो सदन चलने नहीं देंगे, ऐसे में आनन फानन में कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली पर बिहार के सीएम का सख्त आदेश आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार के सीएम का एक सख्त आदेश आ गया है कि 10 दिसंबर के बाद जारी करें सातवें चरण का विज्ञापन। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि इसी कैबिनेट बैठक में मिल सकती है नियमावली 2022 को मंजूरी। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि ये जो कैबिनेट की बैठक है, इसमें मिल सकती है सातवें चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, यानी कि इस कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है नियमावली 2022 को मंजूरी। तो जो आपकी दोस्तों नियमावली 2022 है, इसको कहीं ना कहीं जो है मंजूरी मिलने जा रही है। पटना जो है एजुकेशनल रिपोर्टर ने साफ कर दिया है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार शिक्षक बहाली पे सीएम का सख्त आदेश आ गया है कि 10 दिसंबर के बाद जो जारी करे सातवें चरण का विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, इस कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है नियमावली 2022 को मंजूरी। सातवां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अब नया मोड़ आ गया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हमारे सीएम हो या फिर हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हो या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री हो या फिर प्रधान सचिव हो, सभी की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जरूर नज़र आ रही हैं, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है भाजपा ने, जहाँ स्पष्ट किया है कि वो सदन नहीं चलने देंगे, घबरा गई है महागठबंधन की सरकार। सातवें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अब नया मोड़ आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की जो है यहाँ पे जो अभ्यर्थियों का आंदोलन है दोस्तों, अभ्यर्थियों का आंदोलन और भाजपा का लगातार मिल रहा समर्थन, महागठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ाने लगा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बड़ी घोषणा है कि 13 दिसंबर तक सातवें चरण का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाए। तो देख सकते हैं गाइज, आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा समर्थन कह सकते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुश्किलें अगर हम कहें तो विभाग की अब बढ़ते हुए नज़र आ रही है कि सातवां चरण जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, अगर सातवें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द जारी नहीं किया तो अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब एक चरम सीमा पर पहुंचेगा और कहीं ना कहीं ये आंदोलन विस्फोट बन के सामने आएगा। सातवां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अब नया मोड़ सामने उभर के आ गया है। इसी कैबिनेट की बैठक से जो है नियमावली 2022 को मंजूरी मिल सकती है। स्पष्ट निर्देश आ गए हैं सीएम के, आप देख सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है कैबिनेट से अब कहीं ना कहीं मंजूरी, ये कैबिनेट की बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। शिक्षक बहाली पर बिहार के सीएम का सख्त आदेश आ गया है कि 10 दिसंबर के बाद जारी करें सातवें चरण का विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अब एक शिक्षा विभाग पर दबाव बढ़ गया है। अब कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सातवें चरण का जो तारीख है उसकी बड़ी घोषणा कर दी गई है और कह दिया गया है कि 10 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं जो है वो जारी कर दिया जाए शिक्षक बहाली सातवें चरण का विज्ञापन। आगे देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट है। देखिए, भाजपा ने कहा है कि विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो वे सदन को नहीं चलने देंगे, ऐसे में महागठबंधन सरकार घबरा गई है और बिहार के सीएम ने जल्द से जल्द फैसला लिया है कि सातवें चरण के पक्ष में लिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में कैबिनेट की बैठक में नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी जाए तथा 10 दिसंबर के बाद सातवें चरण के अभ्यर्थियों का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। आपको बताते चलें कि सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी नियमावली को कैबिनेट से जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, सातवें चरण का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री का यह फैसला कितना रंग लाता है और सातवें चरण का विज्ञापन कब तक जारी होता है। तो कहीं ना कहीं एक नया फैसला कहें तो ये मुख्यमंत्री का हो सकता है। अब देखिए, मीडिया में चारों तरफ से ये खबर लहर के रूप में फैल गई है, चाहे आपका जी न्यूज़ झारखंड, बिहार झारखंड हो या फिर आपका कोई भी न्यूज़ चैनल हो, हर जगह यही खबर आ रही है दोस्तों। अब सुर्खियों में बन गई है कि जल्द से जल्द बहाली पर बड़ा एक्शन लिया जाए। तो बड़ी
अपडेट सामने उभर के आ रही है कि दिसंबर के बाद जारी करें सातवें चरण का विज्ञापन, तो 10 दिसंबर का अल्टीमेटम यहां पर जारी कर दिया गया। वहीं लगातार डॉक्टर संजय जायसवाल बोले शिक्षक अभ्यर्थियों पर निर्णय के बाद ही सदन चलने देगी भाजपा बार बार। ये भी इधर से देख सकते हैं कि बार बार ये समर्थन दे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात एनडीए सरकार में तय हो चुकी थी। एनडीए के शासनकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में CTETM BTET पास किए अभ्यर्थियों से राज्य में शिक्षक के करीब 1.25 लाख रिक्त पद भरने की बात कही थी। इसके बाद भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि सदन में विजय कुमार चौधरी से प्रश्न मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूछा था। सरकार बनने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने पूछे गए प्रश्न को ही भूल गए। ऐसे में यदि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में 13 दिसंबर से पहले सरकार जवाब नहीं देती है तो भाजपा सदन नहीं चलने देगी। उन्होंने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो देख सकते हैं कि हर जगह से मुश्किलें बढ़ रही। वहीं देखिए BTET CTET अभ्यर्थियों का आंदोलन कर रहे शिक्षकों को तोहफा जल्द मिलने वाला है, ये भी खबर आ रही है सामने उभर के। स्पष्ट है कि BJP का 10 लाख रोजगार पर 13 दिसंबर तक का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है और कहीं ना कहीं CM की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर दे सकते हैं। कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी संभव है, ऐसा संजय जायसवाल का कहना है। तो हर जगह से देखिए सपोर्ट अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये बात कही जा रही है कि सातवें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन हो सकता है जारी, उम्मीद ऐसी लगाए। और संजय जायसवाल जो अध्यक्ष हैं बिहार BJP के, वो कह रहे हैं कि CM का शिक्षा विभाग में जल्द बहाली का जो है वो निर्देश दें और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा। वहीं देखिए प्रोफेसर शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि सातवें फेज की बहाली का नोटिफिकेशन हो सकता है जारी, तो कहीं ना कहीं अब शुभ संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।